लीजिए दोस्तों, कलंक का टाइटल ट्रैक भी अब चार्ट बस्टर लिस्ट में शामिल हो गया। इस गाने का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे थे। कलंक का ये टाइटल ट्रैक कल जैसे ही 3 बजे रिलीज हुआ, धमाधम व्यूज इसमें आने हासिल हो गए। दोस्तों आपको बता दें, आलिया भट्ट वरुण धवन की केमिस्ट्री इस गाने में दिखाई दे रही है और देखते ही देखते गाना भी रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ। कलंक का ये तीसरा गाना है जिसने रिकॉर्ड बनाया है। इसने पहले घर मोरे परदेसिया, फर्स्ट क्लास सॉन्ग भी लगातार ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 रहे थे और व्यूज में 40 मिलियन क्रॉस आसानी से कर गए थे। अब दोस्तों कलंक का टाइटल ट्रैक भी 24 घंटे के भीतर लगभग 10 मिलियन व्यूज हासिल कर चुका है और इसमें लाइक्स भी काफी जबरदस्त हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, गाने का मिला जुला रिस्पॉन्स दर्शकों द्वारा देखने को मिल रहा है। जितनी उम्मीदें थी, गाना लोगों को उतना पसंद शायद नहीं आया। दोस्तों आपको ये बता दें, कलंक का ये टाइटल ट्रैक लगभग 4 मिनट का होने वाला है, लेकिन जिसका वीडियो सॉन्ग है वो 2 मिनट 24 सेकंड का रिलीज किया गया है। जल्द ही आपको गाना एप्लीकेशन और अन्य म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर सुनने को भी मिल जाएगा, जहां इसका फुल वर्जन अपलोड किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, गाने की खास बात ये रही कि इसमें हमें देखने को मिला कुणाल खेमू का भी एक लुक, जो कि कलंक फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले हैं। साथ ही साथ इस गाने में हमें सोनाक्षी और आदित्य रॉय कपूर और संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की भी झलकियां देखने को मिली और साथ ही साथ लव ट्रायंगल भी देखने को मिला। यह था वरुण धवन, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर का लव ट्रायंगल। फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प लग रही है। देखना होगा कि ट्रेलर अब कब रिलीज किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये रिकॉर्ड कैसा लगा कलंक के गानों का, और कलंक का अब तक का सबसे बेहतर सॉन्ग कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि बॉलीवुड की आने वाली जो अपडेट है आप तक पहुंचे सबसे पहले।